नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज जैम्पी। आपको टीवी या अखबारों में आए दिन चोरी की घटना देखने या पढ़ने को मिल ही जाती होगी। कभी किसी घर में सामान की चोरी हो जाती है तो कभी हथियारों के दम पर चोर लूटपाट कर भाग जाते हैं। चोर चोरी करने के अनोखे तरीके ढूंढकर घटना को अंजाम देते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरी की हैरान करने वाली आजकल इतनी खबरें सामने आ रही हैं कि अब चोरी की खबरें आम लगने लगी हैं। लेकिन अगर आपसे कहें कि एक घर में चोर चोरी करने आया और उसने चोरी भी की, लेकिन लगे हाथ ऐसा भी कुछ कर गया कि लोग भावुक हो गए और चोर की तारीफ करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चोर ने ऐसा क्या किया होगा कि लोग उसकी चोरी भूल गए और भावुक होकर उसकी तारीफ करने पर उतारू हो गए। दरअसल मामला भिंड का है, जहां चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक चोर मौका पाकर घर में जा घुसा और सारा सामान चोरी करने के बाद एक चिट्ठी छोड़ दी, जिसमें लिखा था जय हिंद जय भारत। जहां भिंड के एक भीमनगर इलाके में रहने वाली एक महिला अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है और उसके जाते ही घर में चोर घुस जाता है और सारा कीमती सामान चुरा ले जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक लेटर छोड़ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ये चोरी की है मैंने, आप टेंशन लेना, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं इसी तरह आपके घर में पैसे फेंक जाऊंगा। इसके अलावा चोर ने फिल्मी तरीके से चिट्ठी में सॉरी और धूम 3 भी लिखा और वहां से भाग गया। महिला जब मायके से अपने घर आती है तब उसे सारी घटना के बारे में पता लगता है, जिसके बाद वो नजदीकी पुलिस थाने में जाकर चोरी की शिकायत दर्ज करवाती है। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मामले की छानबीन शुरू करती है और 24 घंटे के अंदर ही चोर को दबोच लेती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चोर कहीं दूर का नहीं बल्कि महिला का ही पड़ोसी था। पुलिस ने युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोर से पूछा कि आखिर उसने चोरी क्यों की, तो उसने बताया कि उसकी और उसके दोस्त की उज्जैन में एक बदमाश से दुश्मनी चल रही है और उसी बदमाश को मारने के लिए उसे एक पिस्टल खरीदनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूर होकर उसे ये चोरी करनी पड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।